हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज के इस वीडियो में पटना में टॉप टॉप पंडाल कौन कौन सा होने वाला है, सारा पंडाल का कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा थीम पे कौन सा पंडाल कौन सा जगह बनाया जा रहा है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, सारा कुछ कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं गया पटना के कंकड़बाग में, एक हनुमान नगर है, वहाँ पे बहुत सारा डाली या खांची बोल सकते हैं उससे गुफा बनाया गया, जो बहुत ही सुंदर देखने में अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छा खासा आप लोगों को देखने को लग रहा होगा। बाहर आप लोग कुछ गरुड़ टाइप का आपको देखने को मिलेगा, आई मीन गरुड़ टाइप का कुछ बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत। आप एक बार जो विजिट करें पटना के कंकड़बाग के हनुमान नगर में, ठीक है। बात रही सेकेंड बार मैं गया पटना के संपतचक, जो बहुत ही ज़्यादा नामी है, आई मीन कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचा पंडाल बनाया जा रहा है, अप्रॉक्स 90 से 95 फीट आप लोग वहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं गया संपतचक, तो संपतचक में आप लोग कुछ इस तरीके से व्यू देखने को मिल रहा होगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा लाइटिंग किया गया। और यहाँ पर कौन सा थीम, माता सिद्धपीठ माता दुर्गा माता मंदिर के थीम पे पंडाल बनाया गया पटना के संपतचक में। तो आप जैसा कि देख रहे हो ना स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा खासा लुक देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग एक बार जाइएगा ना पटना के संपतचक में, तो इसका लाइटिंग को देख के आप लोग फिदा हो जाइएगा, क्या लाइटिंग है यार, गजब का लाइटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा पटना के संपतचक के जो पंडाल बना है, जो इतना बहुत ज़्यादा ऊँचा है, ठीक है। तो आप लोग पटना से तो एक बार संपतचक जरूर जाके विजिट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पंडाल है जो पटना के जगनपुरा में है, यहाँ पे कोलकाता का विक्टोरिया महल जो है ना, उसी के थीम पे आप लोग को यहाँ पे पंडाल बनाया गया, देखने में बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आप लोग पटना से हैं, मन बना लिए हैं कि कोलकाता का विक्टोरिया महल घूमना है, तो भाई आ जाइए ना जगनपुरा में, जगनपुरा में आप लोग को बहुत ही अच्छे से व्यू देखने को मिलेगा पटना कोलकाता का विक्टोरिया महल। तो आप लोग यहाँ आना एकदम ना भूलिएगा, गजब का लुक, गजब का डिज़ाइन, गजब का लाइटिंग, सारा कुछ आप लोग को अवेलेबल देखने को मिलेगा ये पटना का विक्टोरिया महल जो जगनपुरा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोग आना एकदम ना भूलिएगा। नेक्स्ट पंडाल है खजपुरा, जो बेली रोड में आप लोग को मिल जाएगा, जो शिव मंदिर जो खजपुरा है मोहल्ला, उसके जस्ट बगल में आपको पंडाल बनाया गया है, जो आप लोगों को परहरी तितली मंदिर उड़ीसा में जो है अवेलेबल है, उसी के थीम पे आप लोग को ये पंडाल बनाया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, यूनिक लग रहा है, गजब लग रहा है। आप अगर बेली रोड से हैं या बेली रोड जाना चाहते हैं दुर्गा पूजा में, तो आप लोग जाइए और इन्जॉय कीजिए जो खजपुरा में शिव मंदिर है जस्ट बगल में। और अंदर जाने के बाद जितने सारे महाभारत के सीन है ना, सारा कुछ आप लोग को अंदर जाने के बाद बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। और बाहर भी आप लोगों को कुछ कुछ आप लोग का स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है महाभारत का सीन, तो ठीक अंदर जाके भी आप लोग को ऐसा ही लुक देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग मन बनाए तो जाइए एक बार बेली रोड, बहुत ही खूबसूरत बेली रोड में दुर्गा पूजा मनाया जाता है हर साल की बात थी, इस साल भी आप लोगों को मनाया जाएगा। तो आप लोग बिंदास रहिए, बहुत ही अच्छा से आप लोगों को होने वाला है एक बार फिर से धमाकेदार धमाकेदार व्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए और जाइए इंजॉय कीजिए। नेक्स्ट पंडाल जगदेव पथ है, जगदेव पथ में आप लोगों को कुछ यूनिक किया गया है, एकदम गुफा की तरह बनाया गया और गुफा में बैठा दिया जाए राम भगवान को, लक्ष्मण भगवान को, हनुमान भगवान को, शंकर भगवान को, इस तरीके से बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किया गया, भालू को डेकोरेशन किया गया, राक्षस को डेकोरेशन किया गया, राक्षस को डेकोरेशन करके बच्चों को मार रहा है, जो कहने मतलब है कि शंकर भगवान के चोटी से पानी गिर रहा है, मतलब बहुत कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। अगर आप लोग बेली रोड एक बार जाते हैं, कौन सा रोड, जगदेव पथ, आप लोग को यहाँ जाइए, बहुत ही अच्छे से आप लोग को डेकोरेशन किया गया है, आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किया गया। और हाँ, एक यहाँ पे एक व्यू भी दिखाया जाता है, जो आप लोगों को 7 से 8 मिनट का व्यू देखने को मिलता है, कैसे दुर्गा माता राक्षस को मारते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे क्या वध होता है, किस तरीके से दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं, सारा कुछ आप लोग को एक व्यू दिखाया जाता है। तो आप लोग एक बार जरूर उस बेली रोड में जाके, जो जगदेव पथ में, वो एक बार आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा, कुछ तो यूनिक बना है इस साल 2024 में, तो आपको जाना बनता है गाइस, तो आप लोग जाना एकदम ना भूलिए। नेक्स्ट पंडाल शेखपुरा में, जो आपको पटना में ही शेखपुरा है, शेखपुरा जिला मत समझ लीजिए, शेखपुरा में एक अच्छा सा शिवलिंग, आई मीन जो शंकर भगवान है ना, उनके मतलब जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पहाड़ वहाड़ जो रहता है ना, उस टाइप का गुफा के टाइप का बना हुआ है, गजब बहुत ही। इस बार यहाँ भी आप लोग को यूनिक किया गया, ये भी आप लोग को बेली रोड के स्टार्टिंग में ही आप लोग को देखने को मिलेगा, तो आप एक बार आना एकदम ना भूलिएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत स्क्रीन देखने को मिल रहा है, मतलब सीन देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको शंकर भगवान का जो फेस देखने को मिल रहा है, नाग भगवान भी मिल रहे हैं, और भी ऊपर पार्वती हैं, मतलब जो भी है, मतलब ऊपर गंगा मैया है सॉरी, और आपको देख सकते हैं। और यहाँ पे पता है रियलिस्टिक दिखाया गया है कि अभी के टाइम में जो लड़की के साथ वो ऐसा वैसा होता है रेप कांड, ये सब भी वहाँ पे देख सकते हैं, स्टॉप वायलेंस, जब है नारी में शक्ति, तो ये सब मतलब यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आप लोग एक बार जो भी विजिट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी सीन दिया गया है कि विष्णु भगवान को भी सीन दिया गया है कि विष्णु भगवान
जो क्या बोल सकते हैं उसमें, जो कृष्ण भगवान को ले जाया जाता है ना, बस कुछ इस तरीके से ही आप लोग थोड़ा सा आके देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग कुछ हुनर देखिए, क्या हुनर बनाया गया, बहुत ही अच्छे से हुनर बनाया गया। आप लोग एक बार जो विजिट कीजिएगा, अगर आप लोग शेखपुरा से हैं, अगर ये शेखपुरा जाना चाहते हैं तो। बस यही मैं इसी का बात कर रहा था, जो क्या बोलता है, जो फन है ना, और वो शंकर, ये क्या बोलता है, कृष्ण भगवान है, तो वहाँ पर भी आप लोग को यहाँ पे भी अच्छे से दर्शाया गया, देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा व्यू है, अंदर का व्यू आप लोग को बहुत अच्छा खूबसूरत होने वाला। तो अगर आप लोग पटना मन बना लिया घूमने का, तो बेली रोड देखिए, बेली रोड में 3-4 दुर्गा प्रतिमा मिल जाएंगे, जो आपको बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही आप लोगों को पंडाल भी बहुत ही अच्छा सा सजाया गया, गुफा की तरह सजाया गया। तो आप लोग आना एकदम ना भूलिएगा, आइए एक बार जरूर विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस बार एंजॉय करना चाहते हैं 2024 और दुर्गा पूजा। नेक्स्ट पंडाल आ जाती है बोरिंग रोड में श्री राम मंदिर। राम मंदिर के थीम पे आप लोगों को पंडाल बनाया गया, बहुत ही अच्छा खूबसूरत पंडाल देखने को लग रहा है। ऐसा नहीं कि बेफालतू पंडाल बनाया गया, बहुत ही अच्छा पंडाल है राम भगवान का है। तो भाई देख सकते हो आप लोग स्क्रीन पे, बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। और इसके साथ ही अगर आप लोग बोरिंग रोड से थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, तो आप लोगों को वहाँ पे एक सीन दिखाया जाएगा, जो एक और पंडाल बनाया जा रहा है, जो आपको बहुत सारा घड़ा, जितने सारा 10,000 प्लस मटका होता है, उस मटके से पंडाल बनाया गया। जो गली है ना, गली पूरा सजाया गया मटका से, 10,000 प्लस मटका, बहुत ही खूबसूरत मटका देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग आते हो तो एक बार जरूर आके विजिट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा आप लोगों को व्यू देखने को मिलेगा। तो आप लोग आइए, मैं तो घूम रहा हूँ, आप लोग को भी घुमा रहा हूँ, आपको वीडियो के माध्यम से घुमा रहा हूँ। तो आइए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा दृश्य होने वाला है, यूनिक है। पिछले साल इसी गली में जितने सारे क्लॉथ होते, क्लॉथ से गली को सजाया गया था, लेकिन इस बार आप लोगों को सजाया गया है मटके से, 10,000 प्लस मटका सजाया गया। तो आप लोग एक बार आना एकदम ना भूलिएगा, तो आइए और इन्जॉय कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ। नेक्स्ट पंडाल है पटना में, बहुत ही नामी है, डाक बंगला चौराहा। वहाँ पे आप लोगों को तिरुपति बालाजी के थीम पे आपको ये पंडाल को क्रिएशन किया गया, बनाया गया, उसी दृश्य पे बनाया गया, ठीक है। तो आप लोग एक बार जरूर आके विजिट कीजिए। इसका तो लॉन्ग वीडियो कवर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन शॉर्ट वीडियो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कवर किया हूँ। तो आप लोग पटना के डाक बंगला चौराहा पे भी आप लोग आना एकदम ना भूलेगा। यहाँ हर साल की बात है, इस साल भी एक बार बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डेकोरेशन किया गया, डेकोरेशन पे भाई गजब का डेकोरेशन किया गया। तो आप लोग आना एकदम ना भूलेगा गाइस, आइएगा। नेक्स्ट पंडाल है जो आपको वन ऑफ द बेस्ट पंडाल है पटना का, बिहार का, जो भी बोल सकते हो, स्वामी नारायण हिंदू टेम्पल, जो अमेरिका का सेकेंड बिगेस्ट हिंदू टेम्पल है, जो आपको पटना के इतवारपुर में बनाया गया, बहुत ही गजब। आप एक बार आएंगे ना तो रियलिस्टिक लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि बनाया गया, भाई एकदम लगेगा कि अमेरिका से उठा पुठा के यहाँ रख दिया गया, ऐसा आपको लगेगा। तो आप एक बार आके जरूर विजिट कीजिएगा। मैं तो विजिट किया हूँ, रात में मज़ा आ गया, गाना तो एकासेक बजाया गया था, बहुत ही मज़ा, जिस तरीके से गाना है ना, गाना के बीट पे आप लोगों को पंडाल का जो लाइटिंग है उसका डेकोरेशन किया गया, गजब पंडाल का लाइटिंग भी गजब देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ आना एकदम ना भूलिएगा, अगर पटना से हो तो इतवारपुर आइएगा। हर साल की बात थी, इस साल भी नंबर वन पंडाल होता है, तो इस साल भी नंबर वन पंडाल होने ही वाला है। पिछले ईयर तो आप लोग को अवार्ड भी मिला था इतवारपुर में, तो इस बार भी अवार्ड मिलने ही गाई मिलेगा, क्योंकि नंबर वन पंडाल है, ठीक है। तो यार जो पटना में रहता है, इतवारपुर नहीं आता, तो वो कभी कहीं मेला घूमने का कोई लायक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इतवारपुर आइए, इन्जॉय कीजिए, ठीक है। आप लोग इतवारपुर आना मत भूलिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा नंबर वन पंडाल है बिहार का, पूरे बिहार का नंबर वन पंडाल है, ठीक है। नेक्स्ट पंडाल है जो कुरथौल में है, पटना में ही है, इतवारपुर के थोड़ा सा आगे, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर आगे, जो आपको राम मंदिर बनाया गया, बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिल रहा होगा राम मंदिर का। तो आप लोग राम मंदिर भी देखना ना भूलिएगा, अगर इतवारपुर चल गए तो थोड़ा सा 1 किलोमीटर और आगे बढ़ के कुरथौल वाला राम मंदिर को देखना मत भूलिए, क्योंकि राम मंदिर यूनिक बनाया गया। जैसे कि और भी जगह राम मंदिर बनाया गया तो नॉर्मल बनाया गया, लेकिन यूनिक बनाया गया यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ एक बार आगे जरूर विजिट कीजिएगा, ऐसा नहीं होगी मत विजिट कीजिए, आगे जरूर विजिट कीजिएगा। और हाँ, मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ, पटना में और भी है, मैं आपको बोल कवर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ, आप लोग पटना सिटी में जा सकते हैं, हाजीगंज में बहुत ही अच्छा पंडाल बनाया गया है, और दानापुर में आप लोगों को केदारनाथ के थीम पे पंडाल बनाया गया है। इसी तरीके से नाला रोड में आपको रुद्राज का बनाया गया है, तो रुद्राज वाला मैं रील्स अपलोड कर दूंगा, कल जाके मैं शूट कर लूँगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग बने रहे वीडियो में, अगर इस चैनल पे ज्वाइन कर लेंगे ना, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो दुर्गा पूजा का हर एक अपडेट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग बिंदास रहिए, अच्छे से रहिए, बहुत ही सारा कुछ अपडेट देने वाला हूँ इस ब्लॉग में, ठीक है। इस ब्लॉग में तो दे चुका हूँ, अगले आने वाले ब्लॉग में भी आप लोग अच्छे से देने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहें ब्लॉग में, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुर्गा पूजा का हर एक अपडेट देने वाला हूँ, और पटना बिहार जितने सारा कुछ अपडेट मेरे से होता है, सारा कुछ अपडेट मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में देने वाला नहीं हूँ, इस चैनल पे आप लोग को सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
कोई नेक्स्ट अच्छा सा टॉपिक के साथ, लेकिन दुर्गा पूजा के टॉपिक के ही साथ देखने को मिलेगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब, और हाँ अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाकर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा अच्छा रील्स अपलोड कर चुका हूँ। तो जाइए सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे सौरभ राज ब्लॉग्स, अच्छा अच्छा वीडियो आ चुका है।